आज मैं आपको एक टेस्टामनी देता हूं, एक पिक दिखाना जो मैंने कहा था, दिखाऊं उस सिस्टर की पिक। ये सिस्टर पूना से ना, ये सिस्टर पूना से हैं। और इन दिनों में जैसे हम 25 दिसंबर के लिए बोल रहे हैं सबको, खुदा की सेवा के लिए, उसके काम के लिए, क्या करो आप? अपने हृदय को, अपने मन को खोलो, अपने स्पेशल सीट किसके काम के लिए बोलो, ताकि हम खुदा का जो जन्म, जैसे दुनिया में, संसार में, दुनिया में हम संसार में मनाते हैं अपने बेटे का, अपने बच्चों का, तो उससे क्या होना चाहिए? कई गुना ज्यादा अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसने भी ये ऑनलाइन, ये दूर से हैं, पूना से हैं, तो देखते हैं, मगर इसका पति विश्वास नहीं करता। पैसे तो कमाता है मगर वो विश्वास नहीं करता। जब बुद्धि हो तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दोनों को साथ में लिया करो। सुनो, तो अभी इसका पति विश्वास नहीं करता, तो उसे ये कुछ, इसका बहुत बोने का मन है। इन दिनों में जब इसने ये ऑनलाइन सिस्टर सुनती है, ये सुन रही थी, क्योंकि मैंने में जैसे मुंबई से जो सिस्टर है, क्या नाम है उसका? पूनम। तो उसका भी बहुत प्रेम है परमेश्वर का, और उसने उसकी गवाही को सुना कि कैसे उसने जो उसे खर्चा मिलता है, क्योंकि उसका पति भी विश्वास नहीं करता और वो किसी दूसरी औरत के साथ रहता है, तो जो उसके घर वाले खर्चा देते हैं उसे, उससे थोड़ा थोड़ा बचाया उसने, और 2000 उसने ऐसे भेजा, ठीक है। तो उसने ये गवाही सुनी और इसके मन में भी आया, परमेश्वर मैं बहुत देना चाहती, मेरे पास कुछ नहीं है। बोलो क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। और कल इसने 5000 अपने सीट को बोया। कैसे? सुनो, बोलो कैसे बोला? अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, क्योंकि मैं अच्छी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता हूं और आप सुन सकते हो इसकी रिकॉर्डिंग को, ऐसे ना हो कि हम सुनते हैं। बताओ क्या, दोबारा बताओ मुझे फिर से कैसे? वचन था कि 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसी पापा जी बार बार वचन आ रहा था ये। अच्छा, हाँ, तो वो मैं स्क्रीनशॉट लेना ही भूल गई। मैं बोली बार बार वचन क्यों मेरे सामने आ रहा, मैंने परमिशन, लेकिन तू देगा तो मैं दूंगी ना। मैंने वो मुंबई वाले सिस्टर की स्टोरी सुनी तो मैं, पापा जी बहुत रोई, मैं बोली परमेश्वर पापा से आपने प्रार्थना किया कि देखो जो देना चाहते परमेश्वर तुम उनके लिए रस्ते खोल, उनके लिए भी कर, फिर मैं भी और रस्ते, मैं बोली परमेश्वर मेरे लिए भी करना, तेरी बेटी का भी बहुत, क्योंकि मैं तो पापा जी वचन को जानती हूँ ना, इसलिए मैं तो बोलती और परमेश्वर मेरे पास होना और मैं वो भी सब भेज दूंगी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन मेरे परमेश्वर का जो प्रेम है पापा जी वो मुझे संसार में मेरे परिवार से भी नहीं मिल सकता, जो कर मेरे माता पिता किसी से भी नहीं मिलेगा, जो इतना परमेश्वर का प्रेम है ना, मैं सोचती हूँ तो इतना रोती हूँ ना पापा जी, कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, और ये हमारे लिए धन दौलत सोना चांदी कुछ भी नहीं है ना पापा जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस। आज मैं सच में बहुत आनंदित, बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा, और सिस्टर ने एक दिन इसके आमंत्रित सिस्टर ने भी कॉल किया था कि सिस्टर आपको मतलब क्रिसमस आने वाला, आप बीज बोना चाहते हो, आप देना चाहते हो तो मुझे कॉल कर देना, लेकिन मुझे, मैं बहुत रोई, लेकिन मेरा मन नहीं, मैं बोली मैं कैसे बताऊं सिस्टर को कि मेरा हस्बैंड मुझे तो पैसे देता नहीं, लेकिन नहीं, मैं बोली परमेश्वर ये बात मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है ना। तो ऐसे ही मैंने किया, बालियां थी छोटी सी पड़ी, मैं बोली जान दो परमेश्वर इधर पड़ी है ये, मैं मेरे कुछ काम की नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन मुझे पूरा करना है। जैसे मैंने वो वचन आपसे मुंह से बार बार सुनती थी और मेरा एकदम ये होता था, मैं बोली परमेश्वर मैं जान चुकी आपके वचन को, है ना। तो मैंने ऐसे किया, अभी देखो मैं वो सब किया, मुझे इतना खुशी हो रही है। 5000 देखे, ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए 5 रुपए ही बहुत छोटा कुछ भी नहीं है। मैं ली परमेश्वर तू और दे, मैं सब और दे दूंगी, मेरा बस चले ना पापा, मेरा घर बेच दू मैं। देखो, रुको, मेरे परमेश्वर के लिए मैं बोना चाहती सच में, रुको, मेरा इतना, कहती मेरा बस चले ना तो मैं अपना घर भी बेच दू। देखो खुदा से प्रेम,
जो लोग करते हैं खुदा के लिए। और मैंने इससे पूछा, तूने 5,000 का कैसे, ये कैसे इंतजाम हुआ? कहते मेरे पास वालियां पड़ी थी। मैंने कहा कितने की? कहते वो 3,500 की। तो मैंने कहा 5 कैसे फिर आपने बोया? कहते वो मेरी एक बिशु होते हैं वो चांदी के, वो 500 के मैंने वो बेच दिए। तो मैंने कहा फिर ये तो 4 हुआ, फिर 5 कैसे हुआ? कहते जो मुझे घर का खर्चा मिलता था उससे मैंने 10-10 रुपए बचाए थे, 1,000 रुपया मेरे पास उसका था, इसलिए मैंने। देखो जो करना चाहता है, जिसके पास मन है उसके पास परमेश्वर है। मैंने कहा जिसके पास मन है उसके पास परमेश्वर है। तारीफ करो जोर से, क्योंकि खुदा मन जब ऐसा मन सबको देगा तो देखना एक भवन नहीं, ऐसी 10 जगह हमारे पास होगी। मैंने कहा एक जगह नहीं, 10 होंगी 10। और ये होगा यीशु मसीह के नाम से।